मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा हो। दो तीन दिन से मैंने कोई ब्लॉग वगैरह भी नहीं डाला हुआ था क्योंकि पैर में लग गई थी और मुझे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं एग्जाम्स दे रहा था। तो आज का ब्लॉग चालू करते हैं। आज मैं सुबह उठा हूँ, 10 बज रहे हैं और अभी यहाँ से वर्कआउट करने जाना है। तो मैंने ये एक बोल बनाया है जिसकी मैंने आपको रेसिपी दिखाई दी है। इसके अंदर बनाना है, स्ट्रॉबेरी है और दूध है और प्रोटीन शेक है। एप्पल चॉप करके ऊपर से डालें और थोड़े और सीड्स डालना है। तो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं इस बोल में। तो अच्छा बोल है ये, मतलब ये बोल नहीं, इसके अंदर जो है वो अच्छा है। तो ये खा के चलते हैं जिम और कुबेर आ रहा है तो उसके संग वर्कआउट करते हैं। आज शायद बैक करें तो डेडलिफ्ट मारते हैं। अभी बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, मैंने वर्कआउट भी नहीं करा ढंग से। तो अब चालू करते हैं और सीरियसली करते हैं जाके। तो जल्दी से खा के तैयार हो जाता हूँ। तो अभी जल्दी से तैयार होता हूँ। कुबेर आ रहा है आज वर्कआउट के लिए, बहुत टाइम बाद वर्कआउट कर रहे हैं साथ में। तो अभी चलते हैं वर्कआउट करने। Oh my God, फ्रंट कैमरा। तो अभी बहुत टाइम बाद एक शख्स आया है ट्रेनिंग करने। तो आज क्या करने वाले हैं? पर आज अलग अलग शेड्यूल लगाएंगे। बिल्कुल, मतलब हम लोग साथ जा रहे हैं लेकिन ये अलग करने ही कह रहा है क्योंकि इसकी हैवी वेट ट्रेनिंग होती है और मैं इसको ना वो नहीं कर पाता। क्या मतलब है अगर सिर्फ मैं लास्ट सेट में आऊँ तेरे एक्सरसाइज में? इससे अच्छा मैं सोचता हूँ अपनी एक्सरसाइज कर लूँ। पिछली बार स्क्वाड वगैरह मारे थे इसने तो 140 पे आया, फिर कहता था चलो तुम्हारा हो गया तो मैं वेट बढ़ाऊँ। तो मतलब अजीब सा लगने लग जाता फिर। मतलब लोग बुरा मान जाते हैं कि उनका लास्ट सेट चल रहा है, मैं बोलूँ नहीं वेट लगे रहने दो मैं वार्म करूँगा अभी, तो बुरा मान जाते हैं। वही मतलब जब तक इसकी रॉड टेढ़ी नहीं होती ना तब तक इसका वार्म अप नहीं मानता ये। मेरी रॉड टेढ़ी क्यों? मतलब रॉड टेढ़ी नहीं होती इसकी, रॉड टेढ़ी होगी। तो अभी जाते हैं, मैं बैक हिट करने वाला हूँ और तू लेग्स फ्रंट हिट करने वाला हूँ। तो ये लेग्स मारेगा, मैं बैक मारता हूँ। It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Like in some morning in my veins, my culture banging with strange. I change the game, so what's my motherfucking name? What they gonna get though? Desecration, defamation. If you wanna bring it to the masses, face to face, now we escalating. When I have to but boost the asses, mean on ya. Like a dream when I'm rumbling, you're gonna scream, mama. So bring drama to the King Brahma. Punch with extreme mana. तो अभी मैं वापस घर पे आया हूँ जिम के बाद। अभी यहाँ से कुछ खाते हैं और मुझे नहाने आना है। उसके बाद 5:30-6 बजे एक कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट है उसके पास जा रहा हूँ। मतलब कुछ सीरियस नहीं है ऐसे ही, क्योंकि मतलब जितने भी लोग अगर ये देख रहे हैं और ट्रेन करते हैं अच्छे से तो एक फिजियोथेरेपिस्ट आपके जान पहचान का होना चाहिए या फिर आपको जाना चाहिए उसके यहाँ, ताकि वो आपके एडजस्टमेंट कर दे। और बहुत सारी बॉडी पार्ट स्टिफ हो जाते हैं क्योंकि अपन बहुत टाइम से ट्रेन कर रहे होते हैं उनको और कुछ रिलैक्स नहीं मिल पाता। रिकवरी हो जाती है लेकिन एक रिलैक्स जरूरी होता है मसल को, क्योंकि इन टेंशन रहती है बहुत टाइम तक क्योंकि अपन तब से रेगुलर ट्रेन कर रहे हैं और कुछ नहीं कराते मसाज वसाज। तो एक बार कायरोप्रैक्टर पे होके आते हैं ताकि वो मेरी बैक में थोड़ा हल्का स्टिफनेस रहती है तो वो सही करता है, देखते हैं उससे बात करते हैं। और जितने भी लोग ये देख रहे हैं आप लोगों को भी जाना चाहिए, मतलब मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बार फिजियोथेरेपिस्ट पे जाएं, दिखाएं अगर कुछ स्टिफ हो रहा है तो, मूवमेंट सही होती है उन सब चीज़ों की। और अभी जल्दी से नहाते हैं और तैयार होते हैं और मील भी प्रिपेयर करते हैं, खा के चलते हैं। और आज ये डेस्क भी अरेंज करना है। तो अभी ये बन चुका है, बहुत ज़्यादा कम लग रहा है लेकिन ये बोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो ये उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, ज़्यादा तो नहीं पर ओकेज क्वांटिटी है। तो अभी ये खाते हैं और फिर तैयार होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए। चलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट पे। अभी यहाँ से कुबेर के घर आ रहा है, कुबेर को भी ले रहा हूँ क्योंकि उसने देखा हुआ है कहाँ पर है फिजियोथेरेपिस्ट। और यहाँ से जाते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं। मैं रिकॉर्ड करता हूँ फिजियोथेरेपी सेशन क्योंकि ये पहला सेशन है और वो एडजस्टमेंट्स भी करेगा तो शायद आप लोगों को देख के अच्छा लगे। अभी यहाँ से चलते हैं कुबेर के घर। Please,
A few moments later. तो डॉक्टर राहुल के पास आया था मैं, और मेरे एंकल में जो इशू था वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसके लिए ने एक और प्रोसीजर करा जो मैं अभी बताऊंगा, और पूरा बैक का क्या कह रहे थे वो एडजस्टमेंट, स्पाइन एडजस्टमेंट, तो बैक का स्पाइन एडजस्टमेंट वगैरह करा। तो ये है डॉक्टर राहुल, तो अगर किसी को भी यहाँ पर आना हो सर, आप अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए। डॉक्टर राहुल कुरसीजा, स्पाइन स्पेशलिस्ट इन फ्रंट ऑफ माधव डिस्पेंसरी नियर गुरुदेव मेडिकल हॉस्पिटल रोड। तो अगर किसी को भी कोई इशू हो यहाँ पर आ सकता है, और काफ़ी अगर एडजस्टमेंट भी करा सकता है, हैवी लिफ्टिंग वगैरह कर रहा है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो अभी यहाँ से चलते हैं करके। थैंक यू सर। ओके जॉर्डन, जॉर्डन जो यहाँ के कुत्ते हैं, मैं जस्ट अभी आया कायरोप्रैक्टर के यहाँ से, और काफ़ी अच्छा रहा सेशन। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने अपने व्लॉग में कभी अपनी मम्मी को या किसी को नहीं मिलवाया, तो फिर आ गई। तो ये है मेरी माँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप जनता को? ये क्या, हम लोगों की हाइट में थोड़ा डिफरेंस है तो ऐसे नीचे ऊपर करना पड़ता है कैमरा, तो क्या कहना चाहेंगे आप जनता को? क्या देखिए, ब्लॉग देखिए मेरे बेटे को, और क्या कहूँगी, ब्लॉग देखिए, अच्छे सेहतमंद रहिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, अच्छा खाइए, और क्या, इंटेलेक्ट ज्ञान। तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, आई होप यू एंजॉयड द ब्लॉग, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।